देखो इंश्योर मैंने ना पूरा पैक कर दिया। देखो ये कौन कौन सी फेवरेट बाइक्स है आपकी? एशिया का सबसे ज्यादा हाइट पे। चलो एंट्री मारते हैं रामपुर में। हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही मेरे घर से, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ शिमला से रामपुर बुशहर। आप लोगों को शायद पता होगा कि कहाँ है, बाकी जिसको नहीं पता तो मैं बता दूंगा, इस आज के व्लॉग में पता लगेगा। मैं अकेला जा रहा हूँ बाइक लेके, तो चलो देखते हैं आज के ट्रिप में हमारे साथ क्या होगा। हमारा नया दोस्त आया हमारे घर में, छोटा सा टिंकू। टिंकू घर से निकलते हैं, देखो सामान वगैरह पैक के। अंशु को भी मैं संजौली छोड़ूंगा, उसके बाद निकलना है। एक ये बैग ले जाना पड़ रहा है, एक वो दो बैग ले जा रहा हूँ, मतलब कपड़े पेंटिंग वगैरह का सामान सब कुछ ले जा रहा हूँ। अब कुछ दिनों बाद ही शायद नेक्स्ट व्लॉग मेरे आएंगे, बाकी ये लोग कर लेंगे कुछ ना कुछ मैनेज। इनको सपोर्ट करना, इन लोगों को भी देखना है तो व्लॉग, और भाई देखना भाई क्या है, मस्त व्लॉग बनाएंगे भाई, इससे अच्छे बनाएंगे भाई। सर चलो मम्मी को बाय बोलते हैं और निकलते हैं। ठीक है मम्मी, फिर है ना? ठीक है, मिलते हैं फिर, बड़े दिनों बाद देखूंगा मम्मी को। कब आएगा तू? आ जाऊंगा जल्दी, कितने दिन बाद? दो तीन चार पांच दिन बाद, पांच छह दिन बाद देखता हूँ, हफ्ता की। इस पूरे साल में ना मैं पूरी साल में पहली बार घर से बाहर निकल रहा हूँ कहीं, मतलब इतने थोड़े ट्रिप के लिए या थोड़ा ऐसे ना। मेरे पास ना गोप्रो तो था नहीं, तो मैंने फोन माउंट लगाया है उसमें, मतलब बीच बीच में आपको फुटेज देते रहूंगा मैं, जो जगह मेरे को अच्छी लगेगी थोड़ा बहुत। बाय बाय मेरे स्टूडियो, जल्द मिलेंगे वापस। अब टाइम आ गया अपनी बाइक पे एक लंबी ट्रिप मारने का। बाइक की हालत ना थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मतलब ऐसे हालत तो ठीक है, मैंने पूरा सब कुछ मैं हो गया, एक तो इसका नट देखो गायब हो गया फिर से, बाकी यार गंदी है, मतलब बहुत ज्यादा ही है ना। तो आगे देखते हैं, आगे कहीं इसको वॉश करा लेंगे अगर हमारे को लगेगा। चलो यार निकलते हैं अब यहाँ से। हाँ मौसम का पंगा है, बस मौसम नहीं होना चाहिए यार बाइक में खराब। बस निकलते हैं अभी, ऑकलैंड भी नहीं पहुंचे। और यहाँ देखो आप यार, यहाँ पे क्या सीन चला हुआ है, ट्रैफिक इतना है, आगे देखो दो बसें फंस गई हैं। साहिल भाई मिल गए हमारे ऑकलैंड के पास ना, ये कुणाल भाई। चलो यार दिख गए भाई, प्यार है आप लोगों को खींच के लाया हमारे को इसी रोड पे। चलो निकलते हैं अब यहाँ से, साहिल भाई को बाय बोलते हैं। ठीक है साहिल भाई, ठीक है, आप लोग करना कंटिन्यू ना व्लॉगिंग, नहीं तो आप लोग करना। ठीक है ये भी संजौली पहुँच गए और बहुत लेट हो गए, बारिश भी लगने वाली है। अब अंशु को यहाँ पे बाय बोलते हैं और बैग बांधता हूँ मैं बाइक में, और फिर मैं निकलता हूँ यार। देखो अंशु और मैंने ना पूरा पैक कर दिया, देखो ये यहाँ बांध दिया है, अब देखते हैं उनके पास निकलना नहीं चाहिए यार, कहीं तो पैक हो गया पूरा, बाकी हेलमेट को पीछे लटका दिया। चल ठीक है अंशु, जा तू, लेट हो गया। ठीक भाई ठीक है, ओके मैं करता रहूँगा फोन। हाँ मैं करता रहूँगा, रास्ते में जा रुकूंगा। ठीक है गाइस अभी मैं फागू पहुँच गया हूँ, अब यहाँ से 110 किलोमीटर है रामपुर। मैं आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखाना चाहता हूँ देखो यहाँ का ना, और एक मजे की बात ये कि यहाँ पे ना धूप लगी यार। अभी मैं नंगल देवी से थोड़ा आगे आया था, ये देखो नवोदय स्कूल यहाँ पे ना, यहाँ से ऊपर को, यहाँ ऊपर देखो नवोदय स्कूल है, तो मेरा स्कूल यही होता था। और यार देखो ना वो दिन याद आ गए कि यार एक टाइम पे ना हम यहाँ खड़े होते थे, देखो जहाँ बोर्ड लगा ना यहाँ पे बैठे होते थे, और यहाँ पे हम बसें देख रहे थे, बस की शिमला से बसें आई, उस साइड से बसें आई थी बचपन में, जब सिक्स क्लास के बाद हम यहाँ पे आए थे। तो यार वो दिन याद आ गए, और काफ़ी ऐसा इमोशनल सा लग रहा है यार कि क्या दिन थे यार वो भी। चलो हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं और निकलते आगे। अभी तेल भी भराना है यार बाइक में ना, देखो डंडे ही नहीं है बाइक में, दो ही डंडे रह गए हैं, तो चलो टैंकी फुल कराते हैं आगे जाके और फिर निकलते हैं। टैंकी फुल कराते हैं और फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। करा देते हैं अब टैंकी फुल कर दोगे? कार्ड है, कैश कार्ड। अभी मैं मतियाना से आगे आ गया हूँ, अब यहाँ से कितना 80 किलोमीटर रह गया शायद रामपुर ना, बट मैं थोड़ा थक गया था, मैंने बाइक देखो यहाँ लगा दी, और मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ देखो यहाँ का ना। ये देखो भाई, वो देखो ऊपर तक, वरना मौसम थोड़ा ख़राब है लेकिन धूप लगी हुई है बस, तो उतना कुछ है नहीं, बट वहाँ देखो यार पहाड़ियाँ चेक करो आप, सेब के बगीचे वगैरह देखो सब कुछ है वहाँ उस साइड। कैसा लग रहा है कमेंट करके पक्का बताना आप, अगर आप इस साइड आए हो तो भी पक्का बताना यार। यार अब निकलते हैं यहाँ से, मौसम ना क्योंकि थोड़ा ख़राब हो रहा है, और मैं अभी फिर से डाकू वाला ये पहन के निकलता हूँ। सर गाइस ये देखो ऐसा लग रहा हूँ मैं डाकू जैसा, अब हेलमेट पहनते हैं, अब इसमें थोड़ा सेफ है ना कि धूल मिट्टी नहीं लगेगी। अब निकलते हैं, ये भारी सा बैग, क्या वेदर चेक करो कैसा है। चलो ठीक है मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वाह एशिया का सबसे ज़्यादा हाइट पे किस चीज़ का कोर्ट होगा पर यार, ये सबसे ज़्यादा हाइट पे कोर्ट है, मेरे को आइडिया नहीं किस चीज़ का, टेनिस पता नहीं किस चीज़ का कोर्ट है, बट ये देखो आप लोकेशन चेक करो यहाँ की, और देखो कितनी हाइट पे, एशिया का सबसे ज़्यादा हाइट पे है ये बना हुआ। तो चलो अब यहाँ से आगे पहुँचते हैं, नारकंडा पहुँचने वाले हैं। अभी नारकंडा से आगे आ गए हैं, अब बस यार थोड़ी बारिश लग रही थी तो मैं थोड़ा आराम से चला हूँ, तो चलो अब नेक्स्ट दिन दिखाते हैं आपको यार, और मौसम बहुत डरावना हो गया है, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ भाई मैं ना। और अभी भी रामपुर देखो 30 किलोमीटर बचा है, वहाँ लिखा देखो रामपुर 30 किलोमीटर, घर अभी चले हुए हैं, इतना पीठ में दर्द होगी यार, सामान बहुत ज़्यादा लाया हुआ है। रामपुर पहुँचने वाले हूँ, आप ये चेक करो यार, देखो ये सतलुज आई थिंक ये ना, यहाँ पे देखो ये पूरा पानी बह रहा है भाई, खतरनाक इतना ज़्यादा, कैमरे में आपको इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा जितना स्क्रीन में, बाकी अब रोड भी थोड़े ख़राब से आने लग गए हैं। अभी तक ना रोड बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट अब थोड़े रोड ख़राब हो गए, और एकदम मज़ेदार है, अब सीधा सीधा रोड है आगे को।
भाई रोड की तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी है भाई, देखो तो एक बार यार कैसा रोड है यहाँ पे। ये देखो भाई गड्ढे, ये क्या फुट के गड्ढे। अभी ना बारिश बहुत तेज़ हो रही है यार, हमें देखो तूफान जैसे चला हुआ है, देखो पेड़ पौधे बारिश होने लगी है। तो मैं ना मेरा सामान भी है, तो मैंने सोचा कि पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुक जाता हूँ, थोड़ा मौसम थोड़ा ठीक जैसा होने देते फिर आगे बढ़ते यार यहाँ से। हमारे को यहाँ पे स्कूल के बच्चे मिले, कहाँ कहाँ से हो आप लोग? किन्नौर से। कौन कौन सी क्लास में? सेवन्थ में। क्या बात है, बाइक्स का शौक है सबको है। कौन कौन सी फेवरेट बाइक्स है आपकी? मेरी R15। आपकी? मेरा KTM का। क्या बात है, आपकी? हायाबुसा। अरे भाई आपकी? KTM। क्या बात है, चलो पक्का लोगे है ना। ठीक है, बाय बाय। ओके, अब हम पहुंचने वाले हैं रामपुर बुशहर, चलो एंट्री मारते हैं रामपुर में। आगे जाना है, मैं अभी कॉलेज के गेट के बाहर ही वेट कर रहा हूँ, राहुल आ रहा है नीचे से, चलो यहीं वेट करते हैं। राहुल आ गया है और इसने भाई इतना टाइम क्यों लगाते हो कॉलेज से यहाँ पहुँचते हुए? अरे ऐसे यार बैठे थे नीचे। बैठे हुए थे, क्लास टू भी लगा लिया करो। लगा लेते क्लास टू। तो फिर अभी क्या करना है, कहाँ जाना है? चलिए पहले देखिए, ये सारा सामान है ना ये छोड़ना है। हमने यहाँ पे बाइक लगा दी है, राहुल की पार्किंग है भाई, ये फ्री फंड की पार्किंग है। बस सुबह ऐसा ना कि बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से निकालते हुए। बाकी चलो चलते हैं, अब कुछ खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा थक गया यार। यहाँ पे सारा मार्केट वगैरह बंद हो गया है हमारा, मेरे को लग रहा है टाइम वेस्ट ही ना हो गया हो क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए यार। मोमोज पैक कर लिए, आज मोमोज ही खाएंगे भाई डिनर में, मन ही नहीं कर रहा कुछ बनाने का। और बाकी बाजार भी बंद है यार, और कुछ मिल भी नहीं रहा है यहाँ पे। और अब बस निकलते हैं रूम के लिए वापस, सामान सामने छोटा मोटा ले लिया। अब जाके हम रूम पहुँचे और खाना वगैरह ना नीचे से पैक करा के आए, बस अब फटाफट से खाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं यार, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। बाकी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इसका रूम ना पता नहीं कितना ऊपर है भाई, राहुल ने ना मेरे को पूरा घुमा दिया यहाँ पे, और मैं ना ऐसा लग रहा है बिल्कुल देखो पीक पे पहुँचने वाला हूँ, वहाँ था नीचे कहीं रामपुर। देखो पसीना पसीना दोबारा, घर में भी पसीना, यहाँ भी पसीना, बाइक लेकर तो पसीना, हेलीकॉप्टर से तो पसीना, ट्रेन। चलो ठीक है, पॉज करते हैं वीडियो।